नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को अपनी भाभी से मिलाऊंगी, तो क्योंकि आप लोगों को भाभी से मिलके बहुत खुशी होगी। आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, भाभी आप जल्दी से मिलाइए अपनी भाभी जी से। तो आज हमारी भाभी का जो है पहला रसोई है, मतलब पहली बार जो है जा रही हैं खाना बनाने, तो देखते हैं हमारी भाभी क्या बनाएंगी। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और मेरे पीछे का व्यू कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कमेंट में। अब कहाँ जाएंगे बेटा? अब इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे देखो वो क्या बोलते हैं, झाड़ है, झाड़ है, जानवी है हमारी। देखो ये देखो, देख लो, हाय कर लो, हाय। किसका? गाय के। कह रहे हैं गाय का भी वीडियो बनाओ मम्मी, गाय का। बच्चे हमारे से आने गए भैया। का बच्चा तो मामा बाहर है। क्या हो रहा है? तोती। मम्मी क्या बोल रहा है? मोर है, पिकॉक। पिकॉक बोल रहा है, उधर बोल रहा है जंगल में। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अरे यार, तुम्हें दिखाई कैसे देगा, वो बहुत दूर है ना, वहाँ पेड़ पे बैठा हुआ है, वहीं पे बोल रहा है। तुम उसके पास कहाँ जाओगी? तो दोस्तों, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? उधर मत जाओ, झाड़ है, उधर मत जाओ, इधर आ जाओ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने वाला एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो का मनोरंजन कर पाएँ और मेरी भाभी को देख पाएँ, और जो मेरी भाभी बनाने वाली हैं वो भी देख पाएँ। क्या तो अभी मौसी के साथ जाना, ले लेना। लो भैया थोड़ा सा इनसे बात कर लो, मुझे तो लो। करो बात करो, क्या बात करनी, क्या बोल रही थी? फोटो इनकी, फोटो खींचो, इनका वीडियो बनाओ। देखो तो गाइस, मुझे फोड़े निकल आए जब बारिश होती है। बोले ये देखो, ये निकले हैं, ये निकले हैं। मम्मी तुम लगाया, दर्द हो रहा है। तो जब बारिश होती है ना तो मुझे फोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, तो देखो मेरे चेहरे पे फोड़े निकलना शुरू हो गए, यहाँ पे और यहाँ पे भी बड़े हो गए हैं काफ़ी। तो मम्मी तो जब भी फोड़े निकलते हैं ना, मैं उसे टच नहीं करती, अगर टच कर दूंगी ना तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने से निशान पड़ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान देना, जब भी आपके फेस पे जो है फोड़े वगैरह निकले मम्मी, तो क्या रुक जाओ, तो उसे टच मत करना, अगर आप टच करोगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद। क्या बारिश? बारिश बारिश अभी होगी ना। इन्हें पता नहीं बारिश क्या है, बारिश ना वो आसमान से होती है, पानी गिरता है जमीन पे, ऊपर से पानी गिरता है, ऊपर से पानी गिरता है, यहाँ जमीन पे गिरता है। तो दोस्तों चलो, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और अब मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगी अपनी भाभी के साथ, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय दोस्तों। सो गाइज, इस समय मैं अपनी भाभी के रूम में हूँ, और आज हमारी भाभी का चूल्हे का रस्म है, क्योंकि हमारी भाभी जो है पहली बार जा रही है किचन में कुछ बनाने के लिए। जो भी बनाएंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलो आप लोगों को मिलाते हैं अपनी भाभी से, तो क्योंकि आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो मेरी भाभी से मिलने के लिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो भाभी को मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाभी जी आप क्या बनाने वाली हो। तो चलो मिलाते हैं भाभी से। भाभी से ये है हमारी नई वाली भाभी, देखो आज इनकी रस्म है। तो चलेंगी चूल्हे पे जो है बनाने के लिए, जो कुछ बनाएंगी मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी भाभी कैसी लगी आप लोगों को। तो जब हमारी भाभी जो है चूल्हे पे बनाएंगी, क्या बनाने वाली हूँ आज? खिचड़ी बनाने वाली। आज हमारी भाभी खिचड़ी बनाएंगी, यानी तहरी, तहरी भी बोलते हैं ना, और खिचड़ी भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ रिवाज है जो है, जब पहली बार नई दुल्हन आती है ना तो उनका
जो चूल्हे का रस्म होता है तो उस पर जो है खिचड़ी बनाते हैं, और कई कई खीर बनाती है या पूड़ी बनाती है, कुछ भी मीठा बनाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है नमकीन बनाती है। हमारी भाभी जो हम सब के लिए पूरे परिवार के लिए बनाएंगे आज खिचड़ी, तो हम लोग खाएंगे और देखते हैं कि हमारी भाभी जी कैसे बना रही है। पहली बार इनके हाथ का खाएंगे। तो मेरी भाभी को आप लोग भी ढेर सारा आशीर्वाद देना ना। ये देखो मेरी भाभी को। चलो जब चलेंगे किचन में तो मैं आप लोग को लेके चलती हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे भी है, मेरा भाई है, ये अजय भी है, ये और मैं किसी दिन अपनी भाभी का जो है बेडरूम शेयर करूंगी। वैसे अभी कुछ सजावट नहीं हुई है, जब ये पूरा बेडरूम सजा देंगे उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारी भाभी जी जो है किचन में आ गई हैं खाना बनाने के लिए। अभी सारा सामान इधर से उधर फैला हुआ है, तो आप लोग सोचेंगे कि भाभी आपने सफाई आपके घर हुई नहीं है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि शादी का जो है घर है तो सामान तो इधर उधर बिखरे रहेंगे ही, क्योंकि बहुत सारे सामान आए थे ना, तो उसे समेटने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इधर उधर फैला हुआ है। तो दोस्तों आप लोग बुरा मत मानना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों आज हमारी भाभी बनाने वाली हैं तहरी, और हम सब जो है बड़े चाव से खाने वाले हैं अपनी भाभी के हाथ का खिचड़ी। तो दोस्तों आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाभी अभी तो घूंघट नहीं की थी, तो अचानक से क्या हो गया, जो भाभी ने घूंघट कर लिया तो दोस्तों कोई आके बैठ गया था आगे में, इसीलिए भाभी को घूंघट करना पड़ा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है बहू बन के रहेंगी, मैंने मम्मी से बोला है और मेरे मम्मी पापा भी यही कहते हैं कि जैसे हमारी बेटियाँ रहती हैं वैसे हमारी बहू भी रहेंगी, तो इसलिए ज़्यादा पर्दा वर्दा नहीं कराएंगी हमारी मम्मी जी। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारी भाभी जो है किस तरीके से बनाती हैं खिचड़ी तहरी, यानी सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई कुछ डालता है कोई कुछ डालता है, अलग अलग तरीके से बनाता है, सब एक जैसा नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो भाभी ने लिया है चावल और उड़द की दाल, इसी की खिचड़ी बनाएंगी, और टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, हाँ, और अदरक जो जो डाली होंगी, हरी धनिया की पत्ती, ये सब सारे चीज़ों को कट करके पहले से रख ली हैं। उसके बाद जो है बनाना शुरू हो गया है भाभी का हमारा। तो चलो आप लोग भी ध्यान से देखिए और हम भी देखते हैं ध्यान से, और अच्छा भी लग रहा है ना, देखो ना मेरी भाभी कितनी क्यूट लग रही है बनाते वक्त। तो दोस्तों चलो आप लोग भी देखो हम भी देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सारी चीज़ें भाभी ने डाल दी है, और इसके बाद डालेंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद जो है कुकर को बंद कर देंगी, सीटी यानी पुता देंगी। तो यहाँ पे देखो खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। तो दोस्तों किस किस को खाना है हमारी भाभी के हाथ का, तो आ जाइए, आराध्या बुलाती हैं आप सभी को खाने पर, तो आइए हमारे भाभी के हाथ के खाइएगा खिचड़ी। तो दोस्तों सुबह हो गई है और आप लोगों ने हमारे भाभी से मिलाना, और जो हमारी भाभी जी ने खिचड़ी बनाया था, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपनी भाभी से अच्छे से मिलाऊंगी और आप लोगों से बात भी कराऊंगी, आप लोग भी बात कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद भी आया होगा और आप लोगों को हमारी भाभी भी पसंद आई होंगी। तो सच में भाभी हमारी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, होता है ना पहली बार वीडियो में आना और सामने से तो बहुत दिक्कत होती है, जैसा हमारे साथ हुआ था वैसे हमारी भाभी के साथ भी हो रहा था, तो बहुत शर्मा रही थी, तो इसलिए बात नहीं कर पा रही थी आप लोगों से। तो मैंने सोचा, मैंने उनसे कहा कि ठीक है रहने दो बात करने के लिए, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अगला मेरा वीडियो होगा तो उसमें आप बात कर लेना। तो भाभी बोली ठीक है दीदी, अभी इसमें मैं बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तो होता है, आप लोग भी समझ सकते हो, अभी नई नई दुल्हन है और
अचानक से उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दो तो शर्म तो आएगी ही ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद भी आया है और हमारी भाभी ने जो खिचड़ी बनाई थी वो भी पसंद आई होगी। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना। बहुत जल्दी आराध्या आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगी एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, खुश रहो, हंसते रहो, सलामत रहो और अपने परिवार का भी ध्यान रखो, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।